मैंने इस आईफोन को फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज पे खरीदा है और ये आईफोन मुझे पहले से अनबॉक्स भी मिला था। हाँ, फ्लिपकार्ट का कहना था कि अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आईफोन चाहिए तो अनबॉक्सिंग हम करेंगे। हमने बोला ठीक है भैया, कर लो, हमें तो आईफोन से मतलब है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव हम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा पहला आईफोन है, आईफोन 14 या 14 प्लस मेरा पहला स्विच है एंड्रॉयड से आईफोन के तरफ, जिसके वजह से काफ़ी यूनिक चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में आई जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये बहुत अलग होने वाला है बाकी टेक रिव्यूअर्स के वीडियो से, सो डू वॉच इट टिल दी एंड। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आईफोन में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। अब ये फ्लॉज क्या हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, ये पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अल्फा गैजेटेरियन, दिस इज योर फ्रेंड विशाख। वेलकम टू द प्लेस वेयर वी डिस्कस द स्टोरी एंड द साइंस बिहाइंड द टेक। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक टारगेट मैंने इस वीडियो का रखा है 2000, आप सबके लिए बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करवा दो, बिकॉज आई लव यू गाइज, और इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए और इस तरह की यूजफुल वीडियोज ले आने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही फोन डिलीवर हुआ इनिशियल इंप्रेशन कैसा था और उसके बाद इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा रहा है मेरा इस फोन का, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मिल गया है दोस्तों आईफोन 14 प्लस, लेकिन वही है फ्लिपकार्ट से अभी ओपन बॉक्स डिलीवरी मिली है। मतलब बात यह है कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस डिलीवरी बॉय के थ्रू मिलेगा। कैसा लग रहा है इन हैंड फील? तो जैसे ही ये फोन डिलीवर हुआ मैं तो सुपर एक्साइटेड हो गया, रात का ही टाइम था पर मैं फोन को लेकर बाहर निकल गया इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। और स्मार्टफोन का असली कैमरा टेस्ट नाइट टाइम में ही होता है, क्योंकि डे टाइम पे तो सिंपल स्मार्टफोन भी बहुत अच्छा फोटो वीडियो और कैप्चर कर लेते हैं, बाकी जो जो चीज़ें होती है आजकल तो बहुत सारे फीचर्स आते हैं। सबसे पहले दोस्तों परफॉर्मेंस इस फोन का कमाल क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है A15 बायोनिक चिप, जो कि एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि हैवी और डिमांडिंग टास्क को भी बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। और अगर अभी आप एक आईफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आईफोन 13 प्रो 13 प्रो मैक्स मत सेलेक्ट करना अगर 80-90,000 या 1 लाख तक का आपका बजट है, क्योंकि एप्पल की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो 4+5 ईयर्स की रहती है। आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर आप ढंग से आईफोन यूज़ करते हो और आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आप जब तक एक कंटेंट क्रिएटर या टेक रिव्यूअर नहीं हो, तब तक आप 5 साल तक आराम से एक आईफोन को चला सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेटेस्ट आईफोन लेना, तो अभी अगर आप एक आईफोन लेने का सोच रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन तो है कि आप 15 या 14 सीरीज ही लो। मैंने आईफोन 15 प्लस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 15 प्लस और 14 प्लस में बिग बिलियन डेज के दौरान अराउंड 30,000 का डिफरेंस था, और 30,000 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे वो बेनिफिट्स वर्थ इट नहीं लग रहे थे जो 14 प्लस से 15 प्लस में एडेड है। एक फाइनेंशियल प्रूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई वेंट विद द आईफोन 14 प्लस, यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। दूसरा एस्पेक्ट है बैटरी। दोस्तों बैटरी तो इसकी इतनी कमाल की है, स्पेसिफिकेशंस और नंबर्स में नहीं जाते हैं। ये फोन जब डिलीवर हुआ था तो 80% बैटरी पे मुझे मिला था, ये आउट ऑफ द बॉक्स आया था। मैं तो वीडियो बनाता हूँ, फोटो खींचता हूँ, एडिट करता हूँ, यूट्यूब और मल्टीमीडिया भी चलता रहता है, थोड़ी बहुत गेमिंग भी मैंने की, फिर भी एक पूरा दिन चला है इसका बैटरी 80% से जीरो होने में। जीरो भी नहीं हुआ, मैंने तो 5-6% 10% से थोड़ा ही नीचे गया मैंने चार्ज पे लगा दिया, तो फिर फुल चार्ज हुआ। फुल चार्ज होने में लेता है 1.5 घंटा 2 घंटा तक भी ले सकता है, मैंने एग्जैक्ट नोट नहीं किया कितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, पर बैटरी एक बार जब फुल हो जाती है उसके बाद बहुत अच्छा बैकअप देती है। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्ले की, इसमें सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, और ये इतना कमाल का डिस्प्ले है ना दोस्तों कि इसके बाद आपको एंड्रॉइड पसंद नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो मैंने कुछ यहाँ पे कैमरा सैंपल्स लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर आते हैं दोस्तों डिजाइन में, तो डिजाइन बहुत ड्यूरेबल है और ये बना हुआ है सिरामिक शील्ड ग्लास से और एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम से, जो कि इस फोन को बहुत ही सही बनाता है। इन हैंड फील भी इस फोन का बहुत सही है और ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सही है, मुझे फोन भारी बिल्कुल नहीं लग रहा है। और हाँ, एक प्रॉब्लम है कि पीछे फोन पूरा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, ये वीडियो बनाने के लिए भी जब मैंने इनिशियली दिखाया तो उसके पहले मुझे साफ करना पड़ा। और ओवरऑल मुझे फोन का इन हैंड फील भी बहुत सही लगा। हाँ, केस के साथ फोन जरूर हाथ में थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है, पर मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। फिर बात आती है रिफ्रेश रेट की, और यार इसके 60Hz के रिफ्रेश रेट को इतना क्रिटिसिज्म मिलता है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास पहले वीवो X70 प्रो था, उसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है। 120Hz रिफ्रेश रेट एंड्रॉइड से मैंने 60Hz रिफ्रेश रेट आईफोन पे स्विच किया और मुझे इसका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा लग रहा है।
डेफिनेटली अगर आप इतना प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हो इस डिवाइस का, सब डिस्काउंट्स वगैरह लगा के भी, सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी, जो इसका प्राइस है वो अभी भी 256GB वेरिएंट का 90,000 के आसपास प्राइस है, और इस प्राइस पॉइंट पे आप एक प्रीमियम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हो, पर ये भी अच्छा है, एंड्रॉइड की 60Hz जैसा नहीं है। मैंने तो टेम्पर्ड ग्लास भी लगवा लिया कि ठीक है यार, सेरामिक शील्ड का ग्लास है, पर फिर भी। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। एक दो दिन यूज करने के बाद ही मुझे कुछ प्रोज एंड कॉन्स दिखा, और ये तो इनिशियल इंप्रेशन है। जैसे जैसे फोन और ज्यादा यूज होगा तब एक डिटेल्ड रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं लाऊंगा। जैसे वीवो X70 Pro का मैं 2 years रिव्यू अभी लाने वाला हूँ, क्योंकि वो रिव्यू भी आपको हेल्प करेगा अभी के परचेज डिसीजंस बनाने में। तो इसका भी डिटेल रिव्यू आने वाला है, X70 Pro का भी 2 years फुल डिटेल रिव्यू आने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले उन वीडियोस के लिए भी। तो पहला प्रो जो मुझे लगा वो है इसका UI UX, जो यूजर इंटरफेस है, जो यूजर एक्सपीरियंस है, वो इतना प्रीमियम और इतना अच्छा है ना कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो लोग एक बार आईफोन यूज करने लगते हैं वो वापस एंड्रॉइड की तरफ क्यों नहीं जा पाते हैं। आई कैन रेजोनेट विद देम, यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्फ, और अगर आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो कमेंट करके बताओ। दूसरी बात है स्क्रीन साइज। अब ये तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे बड़े साइज के फोन पसंद है, पर एप्पल ने इतना सही ढंग से स्क्रीन साइजेस को ऑप्टिमाइज किया, मतलब डिवाइसेस को बनाया है ना, कि 6.1 इंच का जो स्क्रीन है वो ना बहुत ज्यादा छोटा है, 6.7 इंच का जो स्क्रीन है ऑन द अदर हैंड वो ना बहुत ज्यादा बड़ा है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इतने बड़े आईफोन में दो कैमरा थोड़ा ऑड लग रहा है दूर से देखने में, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। और 6.1 इंच के जो आईफोन होते हैं, जो पहले नॉन प्रो में मतलब 13 मिनी और 13 ऐसे होता था ना, प्लस सीरीज तो 14 सीरीज से ही स्टार्ट हुआ प्लस वेरिएंट, लेकिन इसमें भी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत प्रीमियम है। इनफैक्ट मुझे तो ये स्क्रीन साइज इतना पसंद आया कि इस वीडियो का भी पूरा स्क्रिप्ट मैंने यही लिखा है। तो ओवरऑल इस मामले में तो मेरा एक्सपीरियंस अभी बहुत सही रहा है। तीसरा प्रो है मल्टीमीडिया और गेमिंग। यार इस पे वही फोटोज, वही वीडियोज, वही गेम्स जो आप दूसरे फोन पे खेलते हो ना, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है सेम चीजों का इस डिवाइस पे। तो मल्टीमीडिया और गेमिंग के मामले में भी मुझे बहुत सही लगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि नॉच से थोड़ा प्रॉब्लम हो, पर मुझे तो पर्सनली नॉच से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो साइड में ही रहता है, अभी तक नहीं हुआ है। और मैंने तो यहां तक सुना है कि जो डायनेमिक आइलैंड वाले आईफोन होते हैं, जैसे 14 Pro, 14 Pro Max या अभी पूरा 15 सीरीज, बहुत लोग कहते हैं कि वो जो डायनेमिक आइलैंड है वो कई बार कॉन्टेंट के बीच में आ जाता है, क्योंकि उसके साइड में भी जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पर भी कॉन्टेंट चल रहा होता है। अब पता नहीं, ये मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने भी अगर ये चीज एक्सपीरियंस किया है या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो मेकिंग अगर आपको पसंद है तो आपको आईफोन से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इसका खास करके जो मेन सेंसर है उससे फोटोज वीडियोज इतने कमाल के क्लिक होते हैं ना, इवन लो लाइट कंडीशन में। और देयर इज अ रीजन कि क्यों आईफोन्स को स्मार्टफोन वीडियोग्राफी में या सिनेमाटोग्राफी में बेस्ट कहा जाता है इंडस्ट्री में। और लास्ट प्रो जो मुझे दिखा, दैट इज स्पीकर। स्पीकर्स इतने लाउड हैं कि अगर आप बहुत लोगों के सामने बजा दोगे ना जोर से, तो लोग बोलेंगे कि अरे यार थोड़ा कम करो साउंड को, और बहुत क्लियर स्पीकर हैं। स्पीकर्स भी मुझे कमाल के लगे। अब बारी आती है कॉन्स की, क्योंकि कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही इंसान डिसाइड करता है कि मुझे ये डिवाइस लेना है या नहीं। तो डेफिनेटली बहुत सारे फ्लॉज हैं इसमें। सबसे पहला फ्लॉ जो मुझे दिखा वो कैमरा से ही रिलेटेड है। आप बोलोगे अभी तो मैं कैमरे की तारीफ कर रहा था, हाँ, लेकिन वहां पे मैंने कहा था मेन सेंसर, जो सेकंड सेंसर है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का, इसमें मुझे फ्लॉज दिखे। मुझे ये अप टू द मार्क नहीं लगा, जितना अच्छा मैंने, जितनी बड़ाई मैंने आईफोन की सुनी थी और उस हिसाब से जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं एक्चुअली पहले आईफोन के बारे में ज्यादा बोलता नहीं था एज अ डिवाइस, क्योंकि मैंने आईफोन यूज नहीं किया था, पर अब जब 14 प्लस मैंने यूज किया ना, तो जो अल्ट्रा वाइड एंगल इसका लेंस है, नाइट टाइम में उसके फोटोज और खास करके जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे नाइट में वीडियो बनता है, मैं इस बात पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि व्लॉगिंग में ना वाइड एंगल लेंस ही यूज होता है। और दिन में तो मेरा 3.5 साल पुराना सैमसंग गैलेक्सी A51, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इससे अभी, ये भी दिन में बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है अपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे। सवाल उठता है रात में वाइड एंगल लेंस स्मार्टफोन का कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वाइड एंगल लेंस पे मैंने रात को रिकॉर्ड किया वीडियो और मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा, मैंने इससे बेटर एक्सपेक्ट किया था। और दूसरी बात है कि जब आप फोटो मोड या वीडियो मोड खोलते हो कैमरा में, तो डिफॉल्ट मैक्सिमम ऑप्टिकल जूम जो है वो 1x ही है, उसके बाद आप डिजिटली जूम कर सकते हो, पर डिजिटल जूम में वो बात होती नहीं है, फोटो डिस्टॉर्ट होने लगता है या वीडियोस भी डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। ऑप्टिकल जूम कम से कम 2x तक तो होना ही चाहिए था यार, 14 सीरीज की ही बात मैं कर रहा हूँ, 15 सीरीज में इंप्रूव किया है पर 14 सीरीज में भी तो करना चाहिए, प्रीमियम प्राइस तो इसका भी है। एंड्रॉइड यूज करते करते ना, ये इस चीज को मैं खास करके इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगा था ना, कि मुझे लगा ही नहीं कि ये चीज भी विड्रॉ की जा सकती है एक फोन से, और खास करके एक आईफोन से। 2x मेरा जो सैमसंग गैलेक्सी A51 है उसमें भी 2x है, वीवो X70 Pro में तो 5x ऑप्टिकल जूम है वीडियो और फोटो मोड में। ठीक है, आईफोन का 5x अब जाके 15 Pro Max में इंट्रोड्यूस हुआ है,
लेकिन 2x ऑप्टिकल जूम तो हो सकता था। अगर एकमात्र कौन मुझे हाईलाइट करना हो इस फोन में ना, तो मैं इसी चीज को हाईलाइट करूंगा कि 2x ऑप्टिकल जूम जरूर होना चाहिए था, क्योंकि इस चीज की कमी मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुई जब मैंने इसके फोटो फोटोज खींचे और इससे वीडियोस बनाए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी एक दो दिन में ही मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ और मुझे पसंद नहीं आया कि इसमें 1x से ज्यादा ऑप्टिकल जूम नहीं है। दूसरा कौन जो मुझे लगा, ये हो सकता है इनिशियल फेज है इसलिए हो रहा, जो पूरा इसका UI है ना, मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया या फिर बैक करने का तरीका, जो तरीका है आईफोन को चलाने का वो एंड्रॉयड से बहुत ज्यादा अलग है। ये नेसेसरली कौन नहीं है, पर ये काफी डिफरेंट है। जैसे एंड्रॉयड में हम नीचे से बैक करते हैं, यहाँ पे ऊपर से बैक होता है, और कीबोर्ड का भी जो पूरा सेटिंग्स है कि फुल स्टॉप कॉमा ये सब चीजें कहाँ है वो भी बहुत अलग है। तो एंड्रॉयड पे हाथ जब सेट हो जाता है ना, तो वो इनिशियली थोड़ा दिक्कत होता है आईफोन पे। तीसरा कौन जो मुझे दिखा, दैट इज द लैक ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड्रॉयड में कब से आ रहा है और कितने बेसिक एंड्रॉयड में भी आता है, पर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आपको डेट टाइम चेक करना है तो फिर आपको पूरा फोन उठाना पड़ेगा और यहाँ पे आप डेट टाइम वगैरह चेक कर सकते हो। ये कहीं ना बहुत ज्यादा पुराने 2005-7-8 वाले फोन्स की फील देता है, जैसे नोकिया 6600 था मुझे याद आता है, उसमें भी ऐसे ही चेक करना पड़ता था। 2023 का आईफोन या 2022 का ही आईफोन और ये चीजें मिसिंग है, इस चीज की भी कमी मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुई। फाइनली ओवरऑल जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की आईफोन 14 प्लस को यूज करने के बाद, कि आईफोन का एक्सपीरियंस इतना कमाल का है ना कि ये एडिक्टेड बना देता है, पर नॉन प्रो वर्जन्स में कई बेसिक चीजें छोड़ दी गई हैं ताकि उस यूजर एक्सपीरियंस से अडिक्ट होके आप अगली बार प्रो आईफोन्स खरीदो। तो ये है ओवरऑल एप्पल की स्ट्रेटजी। वर्डिक्ट यही है कि आईफोन उस टॉक्सिक तो नहीं बोलूंगा, पर उस इम्परफेक्ट पार्टनर जैसा है जिसके साथ आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन आप जानते हो कि इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो ओवरऑल ये फोन किसको लेना चाहिए, अगर आपको एक प्रीमियम डिवाइस पसंद है, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए और बेसिक फोटोज वीडियोज आप क्लिक करते हो या वीडियोज बनाते हो टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और बेसिक सोशल मीडिया चाहिए और एक हैंडी फोन चाहिए, तो फिर आप आईफोन 14 या आईफोन 15 के साथ जा सकते हो। और अगर आपको साथ में वीडियो एडिटिंग बहुत करना है या गेमिंग करना है या मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, नोट्स बहुत ज्यादा लेते हो, उस सिचुएशन में आप आईफोन 14 प्लस या आईफोन 15 प्लस के साथ भी जा सकते हो। तो ओवरऑल आपके थॉट्स क्या हैं, आपका बिग बिलियन डे का एक्सपीरियंस कैसा था, आपने आईफोन यूज किया तो आपका आईफोन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या फिर कोई ऐसा फोन है जो आपको लगता है आईफोन का एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है, जो भी आपके थॉट्स हैं कॉमेंट करके जरूर बताना। मैं अपने बिग बिलियन डे के एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये फोन शुरू में तो मुझे लगा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वेबसाइट इतना ज्यादा क्रैश कर रहा था। एक घंटे से ज्यादा ट्राई करने के बाद फाइनली आई गॉट दिस आईफोन। पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो पे कवर किया है, आप क्लिक करके वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और अगर आप आईफोन 15 सीरीज लेने का प्लान कर रहे हो तो 15 या 15 प्लस लेना, 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप इधर क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी आ जाओ, वहां पे भी कॉन्टेंट पोस्ट होते रहते हैं। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।